अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक माई चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ मैंने बनाई है रात के लिए सालन, आलू मटर, शिमला मिर्च है और गाजर है, और थोड़ा मैंने एक दो घर भेज भी दिया है पहले से। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, यहाँ पे पकौड़े शकौड़े तो मैं बना नहीं रही अफ्तारी के लिए, सिर्फ ये बनाए हैं दही बड़े, क्योंकि अभी बस दही के अंदर पकौड़े डालूंगी। ये दे पकौड़े, यहाँ बस मैं पापड़ फ्राई करूँगी। हस्बैंड की फरमाइश पे, वो बोलते पापड़ अच्छे लगते हैं उनको अफ्तारी में, तो बस पापड़ फ्राई करूँगी। और खरबूजा वगैरह तो मैंने काट दिया, उसको भी फ्रिज में रखना है जी। तो ये रहा खरबूजा, अब इसको फ्रिज में रख दिए ताकि ठंडा हो जाए जी। जनाब यहाँ पे बस पापड़ भी मैंने फ्राई हो गए। गैस क्योंकि इस टाइम बहुत हल्की हो जाती है, मैंने पहले ही इसलिए पकौड़े दही बड़ों के लिए बना के रख लिए थे। अब अफ्तारी के 10 मिनट पहले आएगी गैस, तो उससे पहले ही फारिग हो जाती हूँ मैं। बस ये पापड़ फ्राई, यहाँ पे मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, और आज जो है मशीन भी लगा ली थी क्योंकि कपड़े बहुत हो रहे थे, कल मुझे लगानी थी। कपड़े तो खैर नहीं हो रहे थे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हाँ ब्रेड शीटें थी, अब मैं इसके अंदर भगाड़ दूँगी। और ये देखें वही सैलेड तैयार कर रही हूँ मैं, इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाल दी, बस मैं और हल्का सा दही डालूँगी। बस यहाँ पे शरबत बना रही हूँ, अब तकरीबन एंड का ही टाइम है क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं था। ये मैंने सैलेड भी तैयार कर दी है, इसके अंदर मैंने आलू गाजर और मैक्रोनी ली है, तो ये बॉयल करके मैंने मायो क्रीम भी सोच रही थी, मगर क्रीम मैं मंगाना भूल गई, तो क्रीम मैंने इसके अंदर नहीं डाली, वरना थोड़ी हो तो थोड़ी क्रीम भी डाल दें, अच्छा टेस्ट आ जाएगा उससे भी, टेट्रा पैक वाली। बस आज बनाया था टैंग, ये हो गया हमारा शरबत भी रेडी। अब बस इसको तो मैं बघार दूंगी जीरे का, साबित मिर्च है नहीं, जीरे का बघार देके उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी, बस ही रेडी है।